हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में जो व्हाट्सअप चलाते हैं उसे आप अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कैसे खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, लैपटॉप या फिर पीसी में, मैं जो हूँ यहाँ पर लैपटॉप में खोल के दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले नेट को कनेक्ट कर लेना है लैपटॉप में अपने मोबाइल से या फिर जिससे भी कनेक्ट करना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर वाईफाई ऑन कर लिया और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और यहाँ पर देखिए रियलमी 5 आया, तो मैं इस पर क्लिक करके कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर खोलना है, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद अगर आपके साथ भी ऐसा ऑप्शन है तो आपको इसमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च में सर्च करना है WHATS, यानी कि व्हाट्सअप वेब आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए आधा लिखा हूँ और यहाँ पर सजेशन में आ गया व्हाट्सअप वेब, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करके सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने में जो पहला ऑप्शन आता है व्हाट्सअप वेब, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक स्कैनर आएगा और यहाँ पर आपको लिखा भी है कि मेनू में जाना, सेटिंग्स में जाना और लिंक डिवाइस पर क्लिक करना, तो आपको व्हाट्सअप जो है फ़ोन से डायरेक्ट लैपटॉप में खुल जाएगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर साइड में अपना फ़ोन भी दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है कि फ़ोन उठाना और आपको व्हाट्सअप खोलना है फ़ोन में। व्हाट्सअप खुलने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा लिंक डिवाइस का एक ऑप्शन, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से कहेगा लिंक डिवाइस, तो आपको सिंपली उस पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यूज मोबाइल डाटा, तो आपको सिंपली चेक कर लेना कि आपका डाटा ऑन है या फिर नहीं है। ऑन है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप अपने फ़ोन में लॉक लगाए होंगे तो आपको सिंपली लॉक दे देना है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो स्कैनर आपके मोबाइल में चालू हो जाएगा, तो आपको सिंपली इस लैपटॉप के सामने में ला करके स्कैन कर देना है। जैसे स्कैन करेंगे तो देखिए इधर लॉगिन इन हो रहा है और इधर ऑप्टिमाइजिंग मैसेज हो रहा है। तो थोड़ी देर में 15 सेकंड में आपका जो व्हाट्सअप फ़ोन से डायरेक्ट लैपटॉप में खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन में आपको एक देखने को मिल रहा है गूगल क्रोम, यानी कि आपका जो लैपटॉप में खुल चुका है यहाँ पर फाइनली व्हाट्सअप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।